पहली बात तो यह है कि कंगना रनावत का मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनका कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसके बाद कंगना रनावत जो है बौखला गई है, पूरी तरीके से कंगना रनावत बौखला गई है, और ये खुद नहीं जानती है महिला कि बोल क्या रही है। किसान भाइयों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया और उसके बाद ये आरोप लगा रही है। कंगना रनावत क्या बलात्कारियों को बचा रही है? कंगना रनावत बलात्कारियों को बचा रही है या कंगना रनावत के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? ये बेवकूफ महिला जो इस तरीके की बात कर रही है, किसानों को बदनाम कर रही है। पता है, मुझे पता है कि आपको सांसद की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करके मिली है। मुझे बताइए ना, आपने किस आधार पे कह दिया कि गैंगरेप हुआ है? मैं कह रहा हूँ तत्कालीन कंगना रनावत के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं तो कंगना रनावत को माफी मांगनी चाहिए। कि कैसी बात करी जाती है, मर्यादा में रहकर बात करी जाती है, आपको तमीज ही नहीं है। कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी क्या कहते हैं आतंकवादी, कभी ये कह देंगी कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली मुझे, और उनकी चापलूसी करके मिली है, चाटुकारिता करके मिली है। ये जो आपने बयान दिया था ना कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली, उसी की वजह से आपको ये सांसदी की टिकट मिली है। वरना आपको कंडक्टर बस की टिकट ना दे और आपको ये बीजेपी ने सांसदी की टिकट दे दी, आपको शर्म है आप क्या बोल रही है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप राजनीति में आएंगे तो जैसे आप फिल्मों में झूठ बोल देते हैं तो राजनीति में भी झूठ बोलेंगे। राजनीति में, सास बहू के सीरियल में और देश की रियल पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। ये फिल्मों वाली राजनीति नहीं है। मोहित शर्मा किस तरीके से देख रहे हैं कि कंगना रनावत ने एक बार फिर अपने बयान देने के बाद पलटी मार दी और ये कहा कि हमने किसानों को नहीं कहा, हमने ये कहा था कि वहां पर गैंगरेप होते थे, वहां पर हत्याएं होती थी, उनकी फुटेज है हमारे पास, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कंगना रनावत का मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनका कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्योंकि कंगना रनावत ने जो बयान दिया है, पहली बात तो ये कि रेप और गैंगरेप में अंतर है। गैंगरेप का मतलब होता है जो समूह में जो बलात्कार होता है, यानी कंगना रनावत ने ये कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान जो उन्होंने बोला है कि उपद्रवी नो जाए वो गैंगरेप किया, तो और उसके पास में उनकी फुटेज भी है। तो सबसे पहले तो कंगना रनावत उस फुटेज को सार्वजनिक करें जिस आधार पे उन्होंने देश के किसानों को बदनाम करने की बात करी है, देश के किसान आंदोलन को बदनाम करने की बात करी है। कंगना रनावत का उद्देश्य जब पंजाब और हरियाणा में जो दिखा कि बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनावत के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया, लेटर निकाल दिया कि हम इनकी बात से जो है बिल्कुल भी जो है वो मतलब नहीं रखते, इनकी ये अपनी निजी विचारधारा है। उसके बाद कंगना रनावत जो है बौखला गई है, पूरी तरीके से कंगना रनावत बौखला गई है और ये खुद नहीं जानती है महिला कि बोल क्या रही है। अभी न्यूज 24 पे मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था, उस पर इंटरव्यू के दौरान ये बोलती है कि मैं इतना अच्छा काम करती थी कि मेरे को 15-20 साल तक, 10-15 साल तक काम ही नहीं दिया, मतलब इतना अच्छा रोल करती थी, रोल ही नहीं दिया। ये खुद नहीं समझ रही कि ये क्या बोल जाती हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो इन्होंने बात करी है कि किसान आंदोलन के दौरान गैंग रेप होते थे, गैंग रेप एक नहीं बोला, गैंग रेप होते थे और उसकी वीडियोज इनके पास है, तो सबसे पहले तो इनको उस वीडियो को सार्वजनिक करना चाहिए, नहीं तो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इन्होंने जो किसान आंदोलन को जो बदनाम करने की साजिश रखी, जिस किसान आंदोलन में हमारे किसान भाई शहीद हो गए, हमारे देश की बहन बेटियां, हमारे देश के किसान सड़क पर बैठे हुए थे, गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में देश के किसान इस बॉर्डरों पर डटे हुए थे, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक हर जगह, पंजाब हरियाणा हर जगह किसान डटे हुए थे। किसान भाइयों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया और उसके बाद ये आरोप लगा रही है। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा उपद्रवी, दिल्ली के अंदर यानी देश की राजधानी के अंदर सरकार थी उस टाइम पर आम आदमी पार्टी की और अभी भी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी दिल्ली के साथ जो सांसद थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, सातों सांसद। दूसरी बात यह कि जो दिल्ली पुलिस यानी जो लॉ एंड ऑर्डर जो आता है वो आता है दिल्ली से, वो क्या कहते हैं केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार और केंद्र में सरकार की भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस के राज में यानी ये है कि गैंगरेप हुए, और इनके पास अगर वीडियो है फुटेज है तो जो अपराधी हैं जिन्होंने गैंगरेप किया उनको सजा दिलानी चाहिए। आपकी अदालत में कहा है फुटेज तो होगा ना, मैं आपको बता, मेरी बात सुनिए। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने बात कही, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंगना रनावत ने जो ये बात कही है, कंगना रनावत क्या बलात्कारियों को बचा रही है? कंगना रनावत बलात्कारियों को बचा रही है या कंगना रनावत ने बलात्कारियों से पैसे लिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कंगना रनावत की कह रही कि उनके पास फुटेज है, अगर कंगना रनावत के पास फुटेज है तो उस फुटेज को साझा करें और बलात्कारियों को जेल भिजवाए। मैं कंगना रनावत के साथ हूँ, नहीं तो कंगना रनावत ने जो आरोप लगाए हैं ये सारे आरोप गलत हैं और कंगना रनावत के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बेवकूफ
महिला जिस तरीके की बात कर रही है, किसानों को बदनाम कर रही है, ये कौन सी बात है? आप राजनीति के चलते, आप अपनी टीआरपी के चलते, सो कॉल्ड टीआरपी के चलते, मतलब आप सांसद बन गई है तो जो मर्जी बोलेंगी, जो मुंह में आएगा बकती चली जाएंगी। आप क्या कह रही हैं? हम किसान आंदोलन में मौजूद थे, आप मुझे बताइए कौन उपद्रवी? और आपकी पुलिस थी, आपकी पुलिस ने उपद्रवियों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? बताइए आप मुझे किन कौन सा गैंगरेप हुआ किसान आंदोलन के दौरान? मैं पूछना चाहता हूं, गैंगरेप का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, उसको गैंगरेप कहा जाता है। कौन सा गैंगरेप हुआ? आप किसान आंदोलन की कवरेज में थे जी। मैं आपसे पूछता हूं, आपने सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, किसी बॉर्डर से सुना कि वहां पर गैंगरेप हुआ? आप मुझे बताइए ना, आपने किस आधार पे कह दिया कि गैंगरेप हुआ है? मैं कह रहा हूं तत्कालीन कंगना रनावत के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं तो कंगना रनावत को माफी मांगनी चाहिए। आप कुछ भी मुंह में आ रहा है, बकती चली जा रही है, है? भाई आपने ना तो आपके पास ये समझिए कि शब्द है, आप सस्ती टीआरपी के लिए, सो कॉल्ड टीआरपी के लिए आप काई की सांसद हैं? आप तो अनपढ़ों से भी घिनौना बर्ताव कर रही हैं। एक आदमी चलो पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको शब्दों की समझ होती है कि कैसी बात करी जाती है, मर्यादा में रहकर बात करी जाती है। आपको तमीज ही नहीं है, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी क्या कहते हैं आतंकवादी, कभी ये कह देंगे कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली। मुझे पता है कि आपको इस सांसदी की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करके मिली है और उनकी चापलूसी करके मिली है, चाटुकारिता करके मिली है। ये जो आपने बयान दिया था ना कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली, उसी की वजह से आपको इस सांसदी की टिकट मिली है, वरना आपको कंडक्टर बस की टिकट ना दे और आपको ये बीजेपी ने सांसदी की टिकट दे दी। आपको शर्म है? आप क्या बोल रही है भाई? इनको खुद समझ है कि क्या बोल रही है? कंगना रनावत को समझना चाहिए क्या बात बोली इन्होंने। ठीक है ना, अपनी बात पे हो तो भाई मैं कह रहा हूँ कंगना रनावत को वो फुटेज सार्वजनिक करनी चाहिए, और अगर वो सार्वजनिक करती कंगना रनावत के ऊपर मुकदमा दर्ज। आप बोल रहे हैं कि बस का टिकट नहीं मिलेगा, उसको पूरा देश पहले से जानता है। किसको? कंगना रनावत। अरे भैया मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, देश तो बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे एक्टरों को जानता है, पूरा देश जानता है, किसको नहीं जानता? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप राजनीति में आएंगे तो जैसे आप फिल्मों में झूठ बोल देते हैं तो राजनीति में भी झूठ बोलेंगे। राजनीति में, सास बहू के सीरियल में और देश की रियल पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का अंतर है। ये फिल्मों वाली राजनीति नहीं है, यहाँ पर देश की 125 करोड़ जनता रहती है। और एक न्यूज चैनल पर बैठकर आप ये बयान दे रही है जिसमें हमारे कई सौ किसान भाई शहीद हो गए, उस आंदोलन को आप बदनाम कर रही है। आप कह रही है कि वहां पर गैंगरेप हुए, कौन सी गैंगरेप हुए जरा बताइए। उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया ना, बोल रही है कि किसानों ने नहीं, कुछ उपद्रवी ने भाई किया। मैं आपसे कह रहा हूँ उपद्रवी, कौन से उपद्रवी? कौन से उपद्रवी? आपने कहा ना कि किसान आंदोलन में उपद्रवी, तो कौन से बाहर से आया होगा कोई उपद्रवी? भाई तो कहाँ है वो बलात्कार की फुटेज, हमें तो पता ही नहीं चला। बोल रही है हमारे पास है। मैं आपसे कह रहा हूँ देश की किसी बेटी के साथ अगर यौन शोषण हुआ है तो उसकी खबर फैलती है ना पूरे देश में, तो क्यों नहीं पता चली? और जबकि सरकार तो पूरी कोशिश में थी किसानों को बदनाम करने की, सरकार ने तो कोई शब्द नहीं छोड़े किसानों के लिए। सरकार ने ये तक कहा कि ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा ये परजीवी है। आप मुझे बताइए ना, कोई ऐसे शब्द नहीं छोड़े आपने किसानों के लिए, सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। और आपने क्या नहीं किया किसान के लिए? आपने उसके लिए आंसू गैस के गोले दागे, आपने क्या कहते कटीले तार लगवाए। आप ये समझिए कि वो कटीले तार जो खेत में आवारा पशुओं को रोकने पर भी उनको लगाने पर प्रतिबंध है, वो आपने देश के किसान के लिए लगाए। आपने उसके ऊपर जो है आंसू गैस के एक्सपायरी डेट के गोले, वो आपने किसानों के ऊपर छुड़वाए। लाठी डंडे वो आपने किसानों के ऊपर भजवाए। आपने क्या नहीं किया? आपने देश के अन्नदाता को मारा पीटा, उसके ऊपर हर तरीके से जुल्म ढाया आपने। वो तो ये देश का किसान था जो डटा रहा, अपने भाइयों को खो दिया उन्होंने आंदोलन के चलते। और आपकी ये महिला सांसद, जो महिला सांसद खिलाने के योग्य भी नहीं है, जो ये कह रही है कि वहां गैंगरेप हुए, इस बात का प्रमाण भी नहीं, कंगना रनावत के ऊपर मुकदमा दर्ज। अभी वो कई चैनलों पर लगातार इंटरव्यू दिया है, हर जगह उन्होंने कहा हमारे पास वीडियो फुटेज है। मैं कह रहा हूं अगर उस वीडियो फुटेज का कोई आधार है तो दिखाइए जनता के सामने। अगर किसी बेटी के साथ गलत हुआ है तो बेटी की इज्जत के साथ पूरा देश खड़ा है, मैं भी खड़ा हूं भाई, मैं भी खड़ा हूं बेटी की इज्जत के साथ। लेकिन आप आरोप लगाएंगे हैं, वो भी तो देश की बेटी है, साथ क्यों नहीं खड़े? अरे अगर कल को कोई ये कहेगा, कल को अगर कोई ये कहेगा कि भैया कि यहाँ पर कुछ गलत हो गया, कल को तो हम थोड़ी मान लेंगे। ये पहली बात, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये टीवी की राजनीति नहीं है, ये कोई टीवी का सीरियल नहीं चल रहा, कोई मूवी की शूटिंग नहीं चल रही कि आपने बस एक 3 घंटे की फिल्म में जो आपके मुंह में आया आपने बक दिया और उसके बाद में आपने एक डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई ये जो वीडियो है हकीकत नहीं है। समझ लो, ये वो नहीं है, ये रियल पॉलिटिक्स है और पूरा देश आपको सुन रहा है। किसान आंदोलन में कहां से आदमी नहीं जुड़ा?
पूरे भारतवर्ष का जो भी किसान था वो किसान भारत में आया, हर जगह देश के कोने कोने से, भारत देश का हर एक किसान देश की राजधानी दिल्ली में आया। साउथ के भी जो किसान थे वो तक यहाँ पर आकर मौजूद हुए। आपने कहा कि किसान आंदोलन में कुछ उपद्रवियों ने गैंगरेप किया, अगर कुछ उपद्रवियों ने गैंगरेप किया तो वो आपको ही पता चला क्या? या आप वहां पर क्या कहते हैं वो लग रही थी डिटेक्टिव कि सिर्फ आप ही के पास फुटेज है और किसी के पास फुटेज नहीं है? पूरी गोदी मीडिया वहां पर रात दिन तैनात थी कि कोई एक मिसगाइड करने का तरीका मिल जाए कि कैसे देश के किसान को बदनाम करें। गोदी मीडिया ने वहां अपने टेंट लगा लिया, अपनी गाड़ियां लगा ली गोदी मीडिया ने। गोदी मीडिया ने तो दिखाया नहीं। लेकिन एक इंटरव्यू में ये भी कहा उन्होंने, कंगना रनौत ने, कि मेरे भी बड़े बाप दादा जो उन्होंने किसानी करी है, मुझे किसान विरोधी के तौर पर आप लोग परोसने का। हाँ हाँ, आपके तो आपकी पार्टी में ही सारे किसान हैं। एक आपकी पार्टी में हेमा मालिनी किसान है जो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने आती है, आपकी पार्टी में ही तो सारे किसान है, सारे किसान ही आपकी पार्टी में, बाकी किसी पार्टी में तो किसान है। तो कंगना रनौत ने जो बयान दिया, या तो कंगना रनौत माफी मांगे, नहीं तो वो भी देश की बेटी है ना, इतना मतलब क्यों? अगर देश की बेटी होती तो इतनी शर्म इन्हें होती कि ये जो बात बोल रही है उसका अर्थ क्या है? घर से पढ़कर आती, अगर इंटरव्यू देने के इतने शौक है ना आपको मैडम, तो घर से पढ़ के आए करो। हम भी जब इंटरव्यू देते हैं ना तो पहले 10 बार पढ़ते हैं, उसके बाद जब कोई पत्रकार आता है तब उससे वाद और संवाद करते हैं। ये नहीं कि हमारे मुंह में जो आया हम बकते चले गए, बकते नहीं है। हमारे पास अगर शब्द हैं तो हम उसका जवाब दे पा रहे हैं, अर्थात हम नहीं देते, हम मना कर देते, हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आपसे कौन कह रहा है? हमारा काम इस देश को नफरत की आग में झकेलना नहीं है, हमारा काम इस देश को प्यार और मोहब्बत से चलाने का है। कंगना रनौत के साथ जो एक हादसा हुआ था पीछे, एक जवान जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थी, उसको भी लेकर कंगना ने कहा कि कुछ लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे इसको। एक बात आप मुझे बताओ, आप आरोप लगा दोगे किसान के ऊपर, और उसके बाद जब किसान की बेटी अगर आपके साथ ऐसा करेगी तो आप एक बात कहो कि उसकी माँ को तो आप, मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप किसी की माँ बहन के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो यही होगा, होगा यही। और मैं आप कह रहा हूँ, आप किसान को बदनाम कर रही है, वो किसान जो अनाज पैदा करके आपका पेट भर रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। कुछ किसान ये भी कह रहे हैं ऐसे जैसा मुकदमा लेंगे, क्या है? अरे इनके घर पर बुलडोजर चलाओ पहले, तो उसके घर पर इसकी तो संसद की सदस्यता रद्द करो। ये पता नहीं क्या बयान दे रही है, पता नहीं मैडम कौन से नशे में है भाई, कौन सा नशा करके आती हो आप? नहीं, क्योंकि आदमी होशो आवाज में तो ये बात कहेगा ही नहीं, मर्यादा में है आप भी, मतलब नशा करके आती। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुनो, शब्दों का समझो। मैंने कहा कि आदमी होशो आवाज में तो ऐसी बात कहेगा नहीं, क्या आप नशे में है? मैंने आपसे एक प्रश्न चिन्ह लगाया, मैंने आपसे एक प्रश्न चिन्ह लगाया कि क्या आप नशे में इस तरीके की बात कर रहे हैं? अगर अभी आप मुझसे कहने लगे कि भैया भारत और पाकिस्तान या बांग्लादेश सब एक हो गया, तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि भाई होश में है, नशे में रह के बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है तू? तो ऐसी मैं उनसे कह रहा हूँ कि क्या आप नशे में है जो इस तरीके की बातें आप बोल जाती हैं। अच्छा, कुछ किसान जो है सड़कों पर आंदोलित है 2-3-4 दिन से, जिससे उनका बयान है, कुछ किसानों ने उनका पुतला फूंकने की कोशिश की, तस्वीरें आई वहां पर, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो पुतला लेकर भाग गई, तो लोग ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत को पुलिस लेकर भाग गई। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर तो सरकार लाख कोशिशें कर ले, लेकिन मैं आपको बताऊं सरकार की भी कोई गलती नहीं, और मैं समझता हूं कंगना की भी कोई गलती नहीं है। गलती उन तमाम लोगों की जिन्होंने ऐसे लोगों को वोट देकर संसद में पहुंचाने का काम किया, और आज वो भुगत रहे होंगे, आज उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि एक ऐसी सांसद को हमने संसद में भेजा है जो हमारे क्षेत्र की आवाज तो उठाती नहीं है, हमारे क्षेत्र की महंगाई बेरोजगारी पर तो चर्चा करती नहीं है, फालतू के बयान इससे जितने मर्जी दिलवा लो। इस बयान को अगर हम लोग इमरजेंसी मूवी से जोड़ें, मूवी का प्रमोशन हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, सो कॉल्ड थर्ड क्लास टीआरपी लेने के लिए कंगना रनौत इस तरीके के नीच बयान दे रही है, बिल्कुल थर्ड क्लास टीआरपी के लिए, और ये नहीं समझ रही है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट कितना है। जहां उन्होंने इंटरव्यू दिया, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ का आपको बता दूं यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि होती है, खेती होती है, और जिस आपको बता दूं हाल ही में हरियाणा का चुनाव भी है, हरियाणा के चुनाव में आपको किसान अपने आप इस सवाल का जवाब दे देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।